जिनको भी टेबलेट के कई फायदे हैं, अगर थकान कमजोरी लग रही है तो इसको दूर करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कमी हो तो उसके लिए इस टेबलेट को लिया जा सकता है, या शिशु के विकास के लिए लिया जा सकता है। अगर पोषण की कमी है तो इस टेबलेट को लेना बहुत फायदेमंद है। दस्त जैसी समस्या है उसके उपचार में भी जिनको भी टेबलेट का लेना बहुत सुरक्षित है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। सर्जरी के बाद चिकित्सक इसकी सलाह दे सकते हैं। अगर आप बीमार, काफी दिन से आप बीमार चल रहे हैं तो उसकी रिकवरी के लिए भी इस टेबलेट को बाद में दिया जाता है। विटामिन और जिंक की कमी होने पर इस टेबलेट का उपयोग फायदेमंद है। आंखों की समस्या के लिए भी यह टेबलेट बहुत फायदेमंद होती है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्किन से जुड़ी समस्या के लिए इस टेबलेट को ले सकते हैं। बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस टेबलेट को लिया जा सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसका सुझाव दिया जाता है, ताकि कोई भी किसी भी तरह की कमजोरी ना हो। भूख में कमी होने पर और वजन न बढ़ने की समस्या उससे छुटकारा दिलाने के लिए भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। जिनको भी टेबलेट का उपयोग विटामिन या मिनरल्स की जब डिफिशियंसी हो जाती है, तब इस टेबलेट को डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, या इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी इस टेबलेट को लिया जाता है। थकान लग रही है, बॉडी वीकनेस है, या स्किन या हेयर बोर्न को इंक्रीज करने के लिए भी इस टेबलेट का उपयोग होता है। हेल्दी जॉइंट जो होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि आपके जॉइंट स्वस्थ रहे। इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इस टेबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनको भी टेबलेट के डोज का। तो इस टेबलेट को एक टेबलेट डेली दी जाती है, जो कि खाने के बाद लेनी होती है। अगर ओवरडोज हो गया है इस टेबलेट का तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। कभी भी अगर आपका डोज मिस हो गया है तो दो टेबलेट एक साथ ना लें, उस समय को छोड़ के अगले समय से इस टेबलेट का डोज कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको भी टेबलेट के कई फायदे हैं, इस टेबलेट को थकान या कमजोरी है तो इसमें भी बहुत फायदेमंद होती है लेने के लिए। सर्जरी के बाद इस टेबलेट को लेने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो उससे रिकवरी के लिए भी बाद में इस टेबलेट को दिया जाता है। जिंक या विटामिन की कमी होने पर इस टेबलेट को लेना सुरक्षित है। आंखों की समस्या के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस टेबलेट को लिया जाना चाहिए। स्किन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए इसको लिया जा सकता है। बालों की ग्रोथ के लिए इस टेबलेट को लिया जाता है। हड्डियां मजबूत करने के लिए इस टेबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि हड्डियों में किसी भी तरह की कमजोरी ना हो। भूख में कमी होने पर अगर वजन ना बढ़ रहा हो तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को लेना बहुत फायदेमंद होता है। जिनको भी टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन है, स्किन पर रैशेस हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है ओवरडोज होने पर, सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचें। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, नींद ना आना यानी कि स्लीपलेसनेस हो सकती है, बीटर टेस्ट हो सकता है माउथ का, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कि हमें किस कंडीशन में और किस किस बीमारी में इस टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। कुछ कंडीशन है जैसे एलर्जिक कंडीशन है, अगर आपको इस टेबलेट से एलर्जी है तो इस टेबलेट को लेने से बचें। इसके अलावा अगर आपका किसी भी तरह की कोई ऑपरेशन का या सर्जरी का प्लान है तो अपने डॉक्टर से जरूर बताएं, डॉक्टर से जरूर बात करें। इसके अलावा अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो 2 से 3 हफ्ते के पहले आपको इस टेबलेट को लेना बंद कर देना चाहिए। अगर कोई किसी तरह का कोई सीरियस साइड इफेक्ट आ रहा है तो भी इस टेबलेट को ना लें। अपने डॉक्टर से जरूर बात करें अगर आप किसी भी तरह की कोई कंडीशन आ रही हो जिसमें अनकंफर्टेबल हैं आप इस टेबलेट को लेने से, या इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो इस टेबलेट को लेने से बचें। दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जिसे ज़रूरत है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।